समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। बड़गांव थाना पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए तीनों बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़गांव पुलिस ने देर रात शंकरगढ़ तिराहे के पास खड़े 3 शातिर बदमाश जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े थे, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया है। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम मध्य प्रदेश जिला दतिया उड़गवा निवासी अवनीश शर्मा, शिवपुरी दिनारा निवासी राज परिहार, दतिया के जिगना निवासी शिवम ठाकुर बताया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, सकुशल, निष्पक्ष ढंग से कराए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष बड़ा गांव की टीम के द्वारा 3 असलाह तस्कर, जिनका नाम अवनीश शर्मा, राज परिहार और शिवम ठाकुर है, जिसमें 2 दतिया के रहने वाले हैं, 1 शिवपुरी का रहने वाला है, इनसे कुल 4 पिस्टल बरामद की गई है जो ये दतिया और झांसी में ले आकर के बेचते थे। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। ये जो बेचते थे कस्टमर के जो इनकी डील होती थी उसके अनुसार 35,000 से 50,000 के बीच में एक असलाह बेचते थे। इसमें जो शिवम ठाकुर है वो पूर्व में 2023 में जेल जा चुका है। ये जो असलाह लाते थे ये महाराष्ट्र से लेकर आते थे। ऐसा कोई इनका सीधा इंटेंशन चुनाव को प्रभावित करने का नहीं था। ये पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, ये तो अपने फायदे के लिए वहाँ से 10-12 हजार में इनको असलाह मिल जाता था और यहाँ जैसा कस्टमर से डील हो जाती थी उसके अनुसार 35,000 से 50,000 में बेचते थे। ये मैंने बताया महाराष्ट्र से ले आते हैं।